ये लेसन में हम पार्टी के पास से फोटो सिलेक्ट होकर आ गए। उसके बाद ये सारे फोटो का एडिटिंग करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला करेक्शन करना सीखेंगे। फोटो करेक्शन के लिए आपने जो पैकेज लिया है उसमें ही स्पेशली ऑटोमेटिक फोटो करेक्शन रूम का सॉफ्टवेयर मिला है। इसे डाउनलोड करने के लिए insidelogicsoftware.com वेबसाइट ओपन कर लो और यहाँ अपना मेल आईडी डालकर लॉगिन कर लो। और यहाँ आपके डैशबोर्ड में ऑटो करेक्शन का सॉफ्टवेयर है, इसे डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करते वक्त ध्यान रखें कि कहीं पाथ चेंज ना करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फोटोसेंस के फोल्डर में ही इंस्टॉल होगा। करेक्शन रूम रजिस्टर से अपना मेल आईडी डालकर रजिस्टर कर दो। और यहां से ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लो। इसे करेक्शन रूम का इंटरफेस कहते हैं। यहां हम फोटो का लाइटिंग एंड कलर करेक्शन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरा करेक्शन रूम सीखेंगे। तो अब यहां ओपन फोटो के फोल्डर से जो फोटो का हमें करेक्शन करना है वो फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर बाहर ब्राउजर से फोटो के फोल्डर का इस तरह से पाथ कॉपी करके सॉफ्टवेयर में आकर यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो भी वो फोल्डर के सारे फोटोज़ यहाँ ओपन हो जाएंगे। यहाँ हम पांच चीज़ें सीखेंगे, जिसमें पहला है मैन्युअली ऑटोमेशन के कुछ पैरामीटर से फ़ोटो का करेक्शन करना सीखेंगे। ऑटोमेटिक दो या तीन क्लिक से कम्प्लीट फ़ोटो का करेक्शन करना सीखेंगे। बैच में यानी 500 या 600 फोटो का पूरा फोल्डर एक साथ ऑटोमेटिक करेक्शन करना सीखेंगे। रेडीमेड इफेक्ट लगाना सीखेंगे और किए गए करेक्शन और लगाए हुए इफेक्ट को एडिट करना सीखेंगे। अभी पहला सिंगल फोटो में पैरामीटर के हिसाब से ऑटोमेटिक फोटो करेक्शन सीखेंगे, जिसमें सबसे पहला है ऑटो करेक्शन सेटिंग। इसे यहाँ से ओपन कर लो। लेवल यानी फ़ोटो का लाइटिंग करेक्शन, फ़ोटो की लाइट को लेवल की मदद से मैनेज कर सकते हैं। कोई भी फ़ोटो को दो तरह से रीड किया जाता है, सबसे पहला अल्गोरिथम के हिसाब से और दूसरा हिस्टोग्राम के हिसाब से। यहाँ पर भी दो लेवल दिए हैं, पहला फ़ोटो की एल्गोरिथम को ध्यान में रख के लेवल करके देगा और दूसरा फ़ोटो के हिस्टोग्राम को। यहाँ पर दोनों ही लेवल में फ़र्क मिलेगा, पर यह सॉफ्टवेयर कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर या फोटोशॉप के मुकाबले बेहतर रिजल्ट देगा, क्योंकि ये फ़ोटो को बिगाड़े बिना ओरिजिनल फ़ोटो की लाइट को ध्यान में रख के काम करता है। पर इस सॉफ्टवेयर में ये दूसरा हिस्टोग्राम वाला लेवल ज़्यादा बेहतर काम देगा। दूसरा है ऑटो ल्यूमिनेंस सेटिंग, ये भी एक तरह से फ़ोटो की लाइट पर ही काम करता है, जो फ़ोटो की एल्गोरिथम और हिस्टोग्राम को ध्यान में रख के इक्वलाइज लेवल करके देता है। कोई भी पैरामीटर अप्लाई करने के बाद यहाँ से आफ्टर बिफोर देख सकते हैं, और आफ्टर बिफोर देखने के यहाँ तीन ऑप्शन हैं, ताकि आप एक्चुअल रिजल्ट को ध्यान में रख के करेक्शन कर सकें। उसके बाद है ऑटो कलर एडजस्टमेंट। यहां से रिसेट ऑल सेटिंग कर देते हैं, ताकि सारा करेक्शन हट जाए और हमारी ओरिजिनल इमेज हमें मिल जाए। सबसे पहले ऑटो कलर, जो ऑटोमेटिकली कलर को बिगाड़े बिना ऑटो कलर करके देता है। और यहां मैंने ऐसा फोटो इसीलिए लिया है ताकि सही रिजल्ट देख सके। यहां से इमेज का व्हाइट बैलेंस करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ ऑटो टिंट से येलो टिंट हट जाएगी। सेचुरेशन यानी कोई भी फोटो में कलर्स की डेंसिटी को बढ़ाना, जैसे यहां से ये कलर की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ओके, यहाँ फोटो को सही से देखने के लिए प्रीव्यू बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं डिटेल सेटिंग में। कोई भी बारीकाई वाले फोटो में क्लियरिटी सही देखने के लिए शार्पन लगाते हैं। यह फोटो में ऑलरेडी शार्पन है,
इसलिए यहाँ दूसरा फोटो ओपन कर लेते हैं। यहाँ ऑटो शार्पन से शार्पन लगा सकते हैं। माउस के स्क्रोलर को घुमा के आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। या फिर यहां दिए जूम फिर से पूरी इमेज देख सकते हैं। जूम एक्चुअल से इमेज के करेक्शन की सही क्वालिटी देख सकते हैं। यहाँ लगा शार्पन सही दिख रही है क्योंकि ज्वेलरी वाले फोटो में शार्पन का टूल ज्यादा काम करता है। शार्पन लगाने का फंक्शन ज्यादातर बारीकाई वाले फोटो में काम आता है, जैसे कि ये ज्वेलरी वाले फोटो में, जिसमें ज्वेलरी को क्लियर दिखाना है। अभी कोई फोटो में थोड़ी ज्यादा ही शार्पन लग गई है तो उसको थोड़ी स्मूथ करने है तो यहाँ रिड्यूस शार्पन का ऑप्शन दिया है। कोई भी फोटो में लगी हुई रिड्यूस शार्पन का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में है। इनसाइड लॉजिक का करेक्शन रूम एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें लगाई हुई शार्पन को कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया। ये बेहतरीन फंक्शन ज्यादा शार्पन से बिगड़ी हुई फोटो को सही करने का है। डेप्थ क्लियरिटी, ये भी ये सॉफ्टवेयर का एक ऐसा बेहतरीन फंक्शन है जो दुनिया के कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर में इतने परफेक्ट रिजल्ट के साथ नहीं मिलेगा, जिससे फोटो की डेप्थ क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेडो एंड हाईलाइट सेटिंग, जिसमें अंडर बैलेंस, जैसे कि ये फोटो में शेडो थोड़ा ज्यादा ही दबा हुआ है, जिससे अंडर बैलेंस की मदद से फोटो के शेडो के भाग को ऑटोमेटिकली थोड़ा लाइट कर देगा। उसके बाद है ये ओवर बैलेंस। ये फोटो में ये हिस्सा थोड़ा ज्यादा ही हाईलाइट वाला है तो इसको सही करने के लिए यहाँ ओवर बैलेंस का ऑप्शन है। ये दोनों ही फंक्शन फोटो में दबे हुए एरिया को उभारने के लिए और ज्यादातर हाईलाइट हुए एरिया को ऑटोमेटिकली सही करने के लिए बेहतरीन फंक्शन है। ये हमने पूरे इमेज की बात की, लेकिन अभी इमेज की लाइट को ध्यान में रख के ओवर लाइट को कम करना है या कम लाइट वाले एरिया में थोड़ी लाइट बढ़ानी है तो उसके लिए अंडर ओवर लाइट का उपयोग कर सकते हैं। अंडर ओवर लाइट और अंडर ओवर बैलेंस दोनों में फर्क ये है कि अंडर ओवर बैलेंस पूरे फोटो को ध्यान में रख के अंडर या ओवर को सही करता है और अंडर ओवर लाइट फोटो की लाइट को ध्यान में रख के लाइट को सही लेवल करके देता है। यहाँ हमारा ऑटो करेक्शन सेटिंग खत्म हुआ, जो कि ये सारे ऑटो करेक्शन के सेटिंग के सारे फंक्शंस दूसरे फोटो के मुकाबले बेहतरीन रिजल्ट देंगे, वो भी ऑटोमेशन के साथ। लेवल एडजस्टमेंट, यहाँ इमेज के मेन तीन कलर रेड, ग्रीन और ब्लू, ये कलर के हिसाब से मैंने भी फोटो का लाइटिंग लेवल कर सकते हैं। ये वही लेवल है जो फोटोशॉप में है, पर ये मेनली लेवल करने में काम आएगा। कर्व, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस, जिसमें पहला कर्व, कर्व में भी ये तीनों चैनल दी है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और ये तीनों कलर को एक साथ कर्व करने के लिए आरजीबी भी दिया है। कर्व से भी मैन्युअली फोटो का लाइटिंग करेक्शन होगा। कॉन्ट्रास्ट यानी फोटो की डेंसिटी को बढ़ाना या कम करना, लेकिन ये फोटो की ब्लैक लेवल को ध्यान में रख के काम करता है। और ये तीसरा है ब्राइटनेस, जो फोटो की ब्राइटनेस पर काम करता है। नेक्स्ट है गामा, जिसमें ग्रे, रेड, ग्रीन, ब्लू गामा लेवल दिया है। कोई भी कलर की चैनल के हिसाब से मैन्युअली लाइटिंग गामा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया,
इमेज में रेड ग्रीन ब्लू तीन कलर की चैनल होती है। फोटो के शेडो वाले भाग को या हाईलाइट वाले भाग को या मिडटोन को इंडिविजुअली आरजीबी कलर चैनल से करेक्शन कर सकते हैं। ह्यू सेचुरेशन एंड टेम्परेचर। ह्यू की मदद से फोटो के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। सेचुरेशन यानी आरजीबी कलर चैनल को ध्यान में रख के मैन्युअली कलर की डेंसिटी को बढ़ाना। ऊपर ऑटो सेचुरेशन दिया है पर वो ऑटोमेशन में काम करता है और ये सेचुरेशन मैन्युअल में, पर दोनों में ही रिजल्ट में फर्क मिलेगा और टेम्परेचर से इमेज का टेम्परेचर बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये है ग्रेडियंट ओपेसिटी। ये इस सॉफ्टवेयर के बेस्ट फंक्शन में से एक है। इसकी मदद से आपने जो करेक्शन किया है या अगर कोई फोटो में इफेक्ट लगाई है तो उसकी कोई भी एक साइड से ओपेसिटी कम कर सकते हैं, जो फोटो को हाईलाइट करने में काम आता है। ये तो हमने सिंगल सिंगल पैरामीटर ऑटोमेशन में और मैन्युअल दोनों तरीके से देखे, लेकिन अब सॉफ्टवेयर का मेन फीचर जिसमें सॉफ्टवेयर दो या तीन क्लिक से ऑटोमेटिक फोटो करेक्शन करके देगा। यहाँ लोड प्रीसेट पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ रेडीमेड कुछ करेक्शन के प्रीसेट दिए हैं, जिसे आप ऑटोमेटिक अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रीसेट सिलेक्ट करके ओपन करते ही यहाँ इसका ऑटोमेटिक पैरामीटर सेट हो जाएगा और अप्लाई प्रीसेट पर क्लिक करके वो करेक्शन यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ये रेडी प्रीसेट के अलावा अगर आपको खुद कोई ऐसे पैरामीटर सेट करके यही करेक्शन दूसरे फोटो में लगाना है तो यहाँ से सेव प्रीसेट कर सकते हैं, फिर वही प्रीसेट का करेक्शन डायरेक्ट दूसरे फोटो में अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने सिंगल सिंगल फोटो को ऑटोमेटिक करेक्शन किए। अभी हमें 500 या 600 फोटो के पूरे फोल्डर के सारे फोटोज को एक साथ करेक्शन करना है तो उसे बैच करेक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ मेरा एक प्रीसेट ओपन ही है और यही करेक्शन फोल्डर के सारे फोटोज में अप्लाई करना है तो अप्लाई प्रीसेट इन बैच पर क्लिक कर दो और यहाँ वो फोटो का फोल्डर सिलेक्ट कर लो। ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड वो फोल्डर के सारे फोटोज ये प्रीसेट के हिसाब से करेक्शन होकर वही करेक्शन का एक दूसरा फोल्डर बनेगा और उसमें वो सारे फोटोज करेक्शन होकर सेव हो जाएंगे। अभी जो करेक्शन हुआ उसने को एडिटिंग करना है तो वो फोटो यहाँ ओपन कर लेंगे। ये नीचे की पैलेट फोटो करेक्शन या इफेक्ट को एडिट करने के लिए है। इस फोटो में हम थोड़े करेक्शन के इफेक्ट लगा देते हैं। यहाँ ब्रश की साइज, फेदर या ओपेसिटी की वैल्यू अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ रिमूव सिलेक्ट है तो हमारी इफेक्ट रिमूव होगी, इरेजर से वो इफेक्ट रिमूव होगी। और अगर यहाँ एड सिलेक्ट है तो रिमूव की गई इफेक्ट को इरेजर की मदद से वापस ला सकते हैं। ना ही सिर्फ इरेजर से पर यहाँ सिलेक्शन के दो टूल, लासो टूल और रेक्टेंगल मार्क्यू टूल से सिलेक्शन करके भी करेक्शन इफेक्ट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ हम फोटो के करेक्शन को एडिट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ एडिट करेक्शन सिलेक्ट रखेंगे। करेक्शन की वैल्यू यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पर फोटो इफेक्ट का ऑप्शन है जहाँ रेडीमेड अनलिमिटेड इफेक्ट मिलेगी, और अगर आपको वहाँ इफेक्ट नहीं मिलती है तो insidelogicsoftware.com वेबसाइट पर जाकर अपने मेल आईडी से लॉगिन करके इफेक्ट के सेटअप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो। कोई भी इफेक्ट पर डबल क्लिक करते ही इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ एडिट इफेक्ट सिलेक्ट कर दो ताकि आप जो भी एडिटिंग करें वो इफेक्ट में हो। जैसे पहले किया वैसे ही वो सारे एडिटिंग के टूल्स अब इफेक्ट पर काम करेंगे।